जैसे एक एक व्यवस्था है ना शिक्षा की, कि एक वर्ष पढ़ेंगे आप फिर आपकी परीक्षा होगी, और उस एक वर्ष में भी बीच बीच में कई बार छोटी बड़ी परीक्षाएं होंगी, तब आप उस परीक्षा तक पहुंचेंगे, फिर उस परीक्षा के बाद आप अगली कक्षा में जाएंगे। तो यदि आप साधक हैं तो थोड़ा आत्मविश्लेषण जरूर करते रहिए, देखिए कि आपकी उन्नति भी हो रही है कि नहीं हो रही। जीवन में कितने दिन में कितने क्षण होते हैं, कितनी घड़ियां होती हैं जब आपका मन अहोभाव से भरा हो, जब आपका मन धन्यवाद से भरा हो। ईमानदारी से देखना जीवन को, आप पाओगे कि बहुत अधिक क्षण नहीं होते, अधिक क्षण शिकायत के होते हैं, शुक्रिया के नहीं होते, बहुत अधिक क्षण जीवन में। क्योंकि मैं तो कहता हूं भाई, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी शिकायत ही है, प्रार्थनाएं भी शिकायत ही होती है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रेसफुल वे टू कंप्लेन, अच्छा तरीका है शिकायत करने का कि आपने हाथ जोड़ लिए और अच्छे से शब्द आपने सीख लिए कहीं से, पर है तो वो शिकायत ही। यदि आप मांग रहे हैं तो माने आप शिकायत कर रहे हैं, यदि आप याचना कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप शिकायत करें, आपको कहीं ना कहीं संतोष नहीं है, संशय है आपको उसके विधान में। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, लोकी नंगी पैरी फिर दे ते सिरते लभ दे छावा, लोकी नंगी पैरी फिर दे सिरते लभ दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। प्रेम के पथ पर आपके जीवन में, आपके जीवन में आपको रसानुभूति हो, रस उत्सव तो बाद की बात है, पहले रसानुभूति तो हो। एक वो जो जीवन का, मैंने कहा द एसेंस ऑफ लाइफ, जो जीवन का सार है, जो जीवन की खुशबू है, जो जीवन का जीवन की महक है, जिससे खुशबू आती है, वो कृतज्ञता, वो विनम्रता, वो धन्यवाद, वो अहोभाव, जो जो भजन की भावना है। तो आज से यदि आप साधक हैं तो थोड़ा अपने आप को देखते रहना, ठोकते पीटते रहना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि देखना जीवन में दिन में कितनी घड़ियां आती हैं आपके, चेक द प्रपोर्शन, जीवन में कितनी घड़ियां आती हैं आपके जब आपका मन सहज में अहोभाव से भरा होता है, धन्यवाद से भरा होता है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू, एंड इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, वेरी मच स्पिरिचुअल। इफ यू रियली वॉन्ट योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति अर्थात भीतर से सबल समृद्ध हो जाना, प्रसन्न हो जाना, यदि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, देखिए जीवन के कितने क्षण हैं जो आप धन्यवाद के साथ बिताते हैं, जो आप अहोभाव के साथ बिताते हैं, जो मस्तक झुका होता है आपका, कृतज्ञ होते हैं यहां। और यदि दोष दिखाई देता भी है, यदि शिकायत होती भी है आपको, तो खुद से होती है। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। कभी दो घड़ी खुद से बात की हो तो खबर पड़े, कभी पूछो दर्पण के सामने खड़े होकर देखो कि 10 बरस पहले कैसे थे आप, घने काले केश होंगे, सुंदर मुखड़ा होगा, झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, धीरे धीरे जीवन जा रहा है चिंता की ओर, भय की ओर, मृत्यु की ओर, क्या केवल इसीलिए आए थे यहां, केवल इसीलिए? तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। कर्जदार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं।